आगा स्टील इंडस्ट्रीज़ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हुसैन आगा ने आगा वेलफेयर ट्रस्ट के फलाई रहनुमाओं के हमरा फातमिया जनरल अस्पताल में दूसरे आगा डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। आगा डायलिसिस सेंटर में गरीबों को मुफ्त इलाज की सहूलियात फराहम की जाएंगी। 6 बेड्स पर मुश्तमिल डायलिसिस सेंटर में रोजाना की बुनियाद पर 18 गरीब लोगों को मुफ्त डायलिसिस फराहम किए जाएंगे। डायलिसिस सेंटर में आने वाले मरीजों के असासों की मुकम्मल जाँच पड़ताल की जाएगी और मुस्तहिक अफराद को जो मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात मुफ्त फराहम की जाएंगी। इस मौके पर आगा वेलफेयर ट्रस्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हुसैन आगा का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि डायलिस सेंटर की सेकंड ओपनिंग है, सेकंड ब्रांच है, विद इन 1 ईयर ऑफ ऑपरेशंस। मुझे बड़ी खुशी होती है, फुली फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिस सेंटर हमने खोला है और ये आवाम के लिए, ये नीडी के लिए फुली फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्रॉम लैब टू इंजेक्शन टू डायलिसिस ट्रीटमेंट टू साइकोलॉजिकल सर्विसेज, कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये पाकिस्तान की आवाम के लिए है, ये हमारे भाई और बहनों के लिए है। सेंटर खोला है, ये सेकंड सेंटर है, 6 बेड्स है, 6 होम्योडायलिसिस मशीन्स है, स्टेट ऑफ द आर्ट विद आर ओ प्लांट। मुझे आज बड़ी खुशी हुई थी और अल्लाह का बहुत शुक्र है अदा करता हूँ कि आज इस ओपनिंग में आगा डायलिसिस ने सेकेंड डायलिसिस सेंटर खोला है। इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि 3rd डायलिसिस सेंटर और ये डायलिसिस सेंटर पूरे मुल्क में हम खुलते जाएँ।